जब आ जाएं घर में अचानक से मेहमान तो बनाइए झटपट बनने वाली कचौड़ी। और देखिए मैंने सब्जी की रेसिपी भी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, बहुत ही टेस्टी एक ही बार में कुकर में बन जाती है। तो देखिए हमने आटा ले लिया जितना लेना हो आपको, और देखिए मैंने इसमें डाली थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच से, और अब इसमें डालनी है आपको हींग, डालनी है तो हींग भी डाल सकते हो अगर आप कचौड़ी का आटा लगा रहे हो तो। और मैंने देखिए डाला है इसमें नमक, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, जो भी आप ऑयल इसमें डालना चाहो जो आप यूज करते हो वो आप डाल सकते हो। तो मैंने देखी तीन चीज़ें इसमें डाली हैं, ऑयल डाला है, नमक डाला है और अजवाइन डाली है। अब इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर पानी की सहायता से हम इस पूरे आटे को गूंथ लेंगे, और बहुत ही जल्दी हमारी कचौड़ी बन के रेडी होती हैं। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी और फूली फूली कचौड़ी बन के रेडी होंगी। और हमारी जो सब्जी है, सब्जी भी मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाई, केवल 5 मिनट में सब्जी बन के रेडी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो हमें खाना पीना भी बनाना होता है, या फिर हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमें कुछ करने नहीं देते हैं, तो भी हमें झटपट से खाना बनाना होता है। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती हैं तो हमें खाना जल्दी से जल्दी बनाना पड़ता है। अब देखिए पूरे आटे को हम इस तरीके से गूंथ लेंगे, जितना भी आटा आपको चाहिए उतना आप ले लीजिए पहले इकट्ठा, और फिर आप उसमें बस 2-3 चीज़ डालिए और अच्छी तरीके से गूंथ लीजिए। अगर आप कचौड़ी का बना रहे हो ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना, जैसे कि आप रोटी का बनाते हो, कोई कोई तो ज़्यादा सॉफ्ट लगा देता है, लेकिन जैसे आप रोटी का लगाते हो ना उस तरीके से आपको कचौड़ी का आटा लगाना है। और अगर आप पूड़ी का लगा रहे हो ना तो पूड़ी का थोड़ा सा टाइट लगता है हल्का सा। अब देखिए इस जब तक हमने इसको आटे को सेट होने के लिए रख दिया है, जब तक हम बना लेते हैं आलू की पट्टी, तो जो भी आप बोलते हो। अब देखिए आलू में मैंने सबसे पहले धनिया डाला कटा हुआ, मैंने अच्छे से तरीके से वॉश कर लिया था, इसमें नमक डाला, ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला और मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला 1 चम्मच, और ये मैं खटाई डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। हींग आप अगर कचौड़ी वगैरह बना रहे हो ना तो हींग जरूर डालना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि डालनी ही डालनी है। अब देखिए इनको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब आप कचौड़ी बना रहे हो, एक टिप्स का आप ध्यान रखना है, अगर आप कचौड़ी बना रहे हो ना तो जो हमारा ये आलू है उनको आपको बिल्कुल महीन करना है, क्योंकि अगर हमारा जो आलू है ना वो मोटा रह जाएगा ना तो क्या होगा कि हमारी जो कचौड़ी है ना फूट जाएगी, तेल में डालते ही फूट, वो बेलने में ही निकल आता है, फिर जो मोटा रह जाता है सब वो बेलने में ही निकल आता है, और हम जब उसमें डालेंगे कढ़ाई में तो वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और उसमें तेल भर जाएगा। तो आपको बिल्कुल आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको जो हम पिट्ठी बना रहे हैं उसको बिल्कुल फोड़ लेना अच्छी तरीके से। अब देखिए मैंने जब तक के लिए ऑयल चढ़ा दिया, तो हम फटाफट से बना रहे हैं तो हमारी पिट्ठी बनने में भी 5 मिनट हो गई होंगी, 5-10 मिनट, तो जब तक हमारे आटा भी सेट हो गया। अब चलिए जब तक हम लोइयां बना लेते हैं छोटी छोटी, जितनी भी आपको बड़ी बनानी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ली और इसमें हम अपनी पिट्ठी को भर देंगे इस तरीके से, जितनी भी आपको भरनी है, अगर आप ज़्यादा भरना चाहो तो ज़्यादा भी भर सकते हो, लेकिन अगर मोटे होते हैं ना आलू तो उसमें हम ज़्यादा नहीं भर सकते, अगर महीन होते हैं ना तो अच्छी तरीके से आलुओं को भी फिल कर सकते हैं, और ज़्यादा आलू वाली कचौड़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब देखिए मैंने इसमें आलू भरते हुए जब तक हमारा ऑयल हो जाएगा ना, जब तक हमारी कम से कम आधी कचौड़ियाँ मतलब भर जाएंगी, लोइयाँ बन जाएंगी। अब देखिए मैं जब तक बना लेती हूँ और जब तक हमारा ऑयल भी, तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है, जो भी आप यूज करते हो वो आप ले सकते हो, तो हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है, इसीलिए सब सरसों का तेल फ़ायदा करता है, तो हम ज़्यादातर सरसों का तेल का ही यूज करते हैं। मैं आपसे भी कहूँगी कि आप भी सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज कीजिए। तो सरसों के तेल में शुरुआत की एक राउंड बस पीला होता है, नहीं तो बाकी के बाद के सारे जो राउंड होते हैं वो बिल्कुल मतलब जैसे हम रिफाइंड में सेकते हैं उसी के तरीके के होते हैं, क्योंकि पहला राउंड में थोड़ा बहुत सरसों के तेल का पीलापन आ जाता है जब हम कचौड़ी सेकते हैं कचौड़ियों के ऊपर। अब देखिए हमारा तेल अच्छी तरीके से हो जाए जब आपको कचौड़ियों को डालना है, और जो गैस है हमारे थोड़ा सा मतलब मीडियम फ्लेम पर रखना है, नहीं तो एक संग तेज हो जाएगी ना तो एकदम सिक जाएंगी वो और अंदर से कच्चापन रह जाएगा, तो आपको मीडियम कर लेना है। पहले तो तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है और फिर आपको गैस को मीडियम करते हुए जब आपको कचौड़ियों को छोड़ना है। अब देखिए मैं बेलती जाती हूँ और छोड़ती जाती हूँ, इस तरीके से हमारी जो कचौड़ियाँ ना फूलती हुई आती हैं, मैं कभी भी कचौड़ी को बेल के नहीं रखती हूँ। अब देखिए जब तक हमारी ये होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कचौड़ी बेल लूँगी, जब तक मैं डालूँगी जब तक फिर दूसरी बेल जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लग मतलब 1 सेकंड तो लग जाता है, मतलब 2-3
5 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बिल जाती है, क्योंकि 2-3 बेलन मारो और कचौड़ी बिल के रेडी हो गई। अब देखिए हमने इस तरीके से डाल दी और इनको हम सेक लेंगे अच्छी तरीके से, जितना भी आपको सेकना है, करारी करारी हमारी कचौड़ी इस तरीके से फूली फूली हो जाएंगी रेडी। इस तरीके से आप भी ट्राई जरूर करना, बहुत ही जल्दी से बनती हैं। और मैंने सब्जी की रेसिपी भी शेयर की हुई है झटापट से फटाफट से बनने वाली, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आपको एंड स्क्रीन पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इस मेरे तरीके से बनाओगे तो। वैसे तो आप भी बना लेते होंगे, कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ पर नहीं आती है, उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहेंगे ये तो हम पे भी आता है, लेकिन हर किसी पे नहीं आता है, जो न्यू कुक करते हैं, न्यू कुक होते हैं, उन पे नहीं आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और मैंने बच्चों को भी दे दी है। मैं बच्चे से पूछ रही थी कैसी बनी, वो बोल रही थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है सब्जी और कचौड़ी। अब देखिए इसी तरीके से मैं सारी कचौड़ियों को बना के रेडी कर लेती हूँ। और गाइज अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं, केवल एक राउंड की और रह गई है, इनको भी हम बना लेते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसी ही रेसिपी की वीडियो